ये कहानी मेलिसा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है, जिसे घपागप करने का इतना शौक होता है कि वो एक साथ पांच पांच लड़कों के साथ घपागप करती है। इसके बाद मेलिसा अपनी प्यास बुझाने के लिए और क्या क्या करती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मेलिसा पी, और ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की मेलिसा को देखते हैं, जो अपनी मॉम और अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती थी। मेलिसा की उसकी मॉम के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अपनी ग्रैंडमा के काफी करीब थी। मेलिसा की ग्रैंडमा को स्मोक करने की आदत थी, इसलिए उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक सुबह मेलिसा अपने मौत के कुएं में उंगली डाल रही होती है, पर तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और मेलिसा खुद को रोक लेती है। इसके बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ डैनियल के घर पर जाती है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट होता है और आज उसके घर पर एक पार्टी थी। मेलिसा डैनियल को बचपन से ही पसंद करती थी, पर डैनियल ने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। फिर जब मेलिसा स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है, तभी वहाँ पर डैनियल आता है और उसे पानी में गिरा देता है। पर मेलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था, और जब ये बात डैनियल को पता चलती है तो वो मेलिसा को पकड़कर किनारे पर ले आता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, पर ये सुनकर मेलिसा सोचती है कि ये साला पता नहीं क्या दिखाएगा, पर डैनियल उसे अपना गार्डन दिखाता है। फिर डैनियल मेलिसा को बोलता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ पर रोज अकेले आना होगा। अब ये सुनकर मेलिसा भी खुश हो जाती है और वो डैनियल को हाँ बोल देती है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, और यहाँ मेलिसा डैनियल को बताती है कि उसने आज तक किसी भी लड़के के साथ घपागप नहीं किया है। अब मेलिसा की बातों से डैनियल को पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करती है, और डैनियल भी इस बात का फायदा उठाता है। वो मेलिसा को अपना छोटा चेतन चूसने के लिए बोलता है, और मेलिसा भी उसे मना नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेलिसा की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। मेलिसा वहाँ पर डैनियल का वेट कर रही होती है, पर वो नहीं आता। दरअसल उस दिन के बाद से डैनियल कभी भी मेलिसा से मिला ही नहीं। इसके बाद मेलिसा की दोस्त वहाँ पर आती है और वो उसको बोलते है कि तुम डैनियल को भूल जाओ, पर मेलिसा उसकी बात नहीं मानती और वो अपनी डायरी में लिखती है कि वो डैनियल को कभी भी माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब में है, तो वो दोनों डैनियल को देखने उस क्लब में जाते हैं। वहाँ मेलिसा डैनियल को देखती है और डैनियल भी उसे देख लेता है। फिर डैनियल मेलिसा के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। फिर डैनियल मेलिसा को ड्रिंक ऑफर करता है और बोलता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेलिसा भी उसे हाँ बोल देती है, और फिर वो दोनों डैनियल के घर चले जाते हैं। वहाँ डैनियल मेलिसा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ घपागप कर सकता है, तो मेलिसा उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों वहीं पर घपागप करने लगते हैं, और घपागप करने के बाद मेलिसा डैनियल को बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, पर इस पर डैनियल उसे बोलता है कि तुम पागल हो क्या, और वो उसको वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद से मेलिसा पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि डैनियल ने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था, इसलिए मेलिसा भी अब डिसाइड करती है कि वो भी लोगों के साथ ऐसा ही करेगी और किसी की भी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिसा की ग्रैंडमा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। पर ये मेलिसा को गलत लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसकी ग्रैंडमा को उससे दूर करना चाहती है, और इस बात पर मेलिसा और उसकी मॉम में बहस भी हो जाती है। फिर अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है तो वो काफी उदास होती है, जिस वजह से सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर वहाँ पर मार्को नाम का एक लड़का होता है जो उसकी फीलिंग्स को समझ रहा होता है। स्कूल के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे में जाती है। उस कैफे में एक आदमी मेलिसा को देखने लगता है, जिस पर मेलिसा अपनी फ्रेंड को बोलती है कि देखो मैं इस आदमी को कैसे अट्रैक्ट करती हूँ। फिर जैसे ही वो आदमी मेलिसा के पास आकर बैठता है, मेलिसा वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद जब मेलिसा अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा उसके घर आई है, जिनको देखकर वो बहुत खुश होती है। पर उसकी ग्रैंडमा जब मेलिसा को देखती है तो वो समझ जाती है कि मेलिसा पूरी तरह बदल चुकी है, और वो ये बात मेलिसा की मॉम को भी बताती है, पर उसकी मॉम उनकी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर कुछ दिनों बाद मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। अभी सुनकर मेलिसा पिछला सब कुछ भूलकर डैनियल के पास चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनियल अभी भी उसे प्यार करता है। फिर वहां पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और इसके बाद डैनियल मेलिसा की आंखों को बंद करने के लिए बोलता है। फिर मेलिसा जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, तभी डैनियल वहां पर अपने दोस्त को बुलाता है, और उसका दोस्त वहां आकर मेलिसा को किस करने लगता है। पर जब मेलिसा ये देखती है तो वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है, पर तभी मेलिसा का मन बदल जाता है और फिर वो डैनियल के दोस्त के पास आकर उसे किस करना शुरू कर देती है, और फिर वो तीनों मिलकर एक साथ घपागप करते हैं। फिर अगले दिन मेलिसा ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त उस पर गुस्सा करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए। पर अब मेलिसा को ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था, और वो एक एडल्ट साइट पर जाकर अपना अकाउंट भी खोलती है, जहाँ पर वो अपनी ये सब बातें शेयर कर सकती थी। फिर एक दिन स्कूल की तरफ से उन्हें एक साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। फिर हम मेलिसा को देखते हैं जो वहाँ पर अकेली बैठी होती है, पर थोड़ी देर बाद उसके पास एक आदमी आकर बैठता है जो उसी म्यूजियम में काम करता था। फिर वो आदमी मेलिसा को अपने साथ घपागप करने के लिए पूछता है,
जिस पर मेलिसा मान जाती है और वो दोनों वहीं पर ही घपागप करना शुरू कर देते हैं। मेलिसा ये सब प्राइवेट बातें अपनी एक डायरी में लिखती थी। फिर एक दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है तो वो देखते है कि उसकी प्राइवेट डायरी सभी लोग पढ़ रहे थे। अब ये देखकर मेलिसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके लिए वो अपनी फ्रेंड को डांटने लगती है। फिर इसके बाद जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, जिसको देखकर मेलिसा को भी फील होने लगता है कि काश उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा होता जो उसे प्यार करता। फिर अगले दिन जब मेलिसा स्कूल से अपने घर आ रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उससे उसकी डायरी बाकी लोगों को पढ़ाने के लिए उसे माफी मांगने लगती है, पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। वहीं एक लड़का जिसका नाम मार्को होता है वो मेलिसा को देख रहा था। दरअसल मार्को मेलिसा को बहुत पसंद करता था पर मेलिसा ने उसे आज तक भाव नहीं दिया था। फिर मार्को मेलिसा से बात करने के लिए उसके पास आता है पर तभी मेलिसा को डैनियल के फ्रेंड का फोन आता है और वो उससे मिलने चली जाती है। फिर जब मेलिसा डैनियल के फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे एक बंकर में ले जाता है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और वो उसे बंकर के अंदर ले जाता है जहां पर बहुत सारे लड़के भूखे नंगे भेड़ियों की तरह उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो सभी मेलिसा के साथ घपागप करने लगते हैं और मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती और उनके साथ एंजॉय करती है। फिर अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है तो सभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, पर मेलिसा सोच रही होती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही था और उसे उसका कोई पछतावा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन मेलिसा की मॉम उसके कमरे में जाती है और वो वहां पर मेलिसा की डायरी को पढ़ लेती है। फिर उसकी मॉम मेलिसा को कॉल करती है पर मेलिसा उनका फोन नहीं उठाती। दरअसल मेलिसा एक आदमी के घर पर घपागप करने गई थी। फिर मेलिसा की मॉम इस बारे में मेलिसा की ग्रैंडमा को बताने जाती है, पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मेलिसा की ग्रैंडमा इस दुनिया से जा चुकी है और ये सुनते ही उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो वहीं रोने लगती हैं। फिर जब मेलिसा वापस अपने घर आती है तो उसकी मॉम उससे उस डायरी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर मेलिसा बोलती है कि डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। अभी सुनकर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है कि वो मेलिसा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। इसके लिए उसकी मॉम मेलिसा से माफी भी मांगती है, पर अब मेलिसा को भी गिल्टी फील होने लगता है और तब से वो अपनी सारी गंदी हरकतें बंद कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो वापस स्कूल जाती है तो वो देखती है कि वहां पर डैनियल अपने दोस्त के साथ लड़ रहा है, क्योंकि उसी की वजह से मेलिसा ने एक साथ 5 लड़कों के साथ घपागप किया था। तभी डैनियल भी मेलिसा को देख लेता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिसा की लाइफ अब पूरी तरह चेंज हो चुकी है और वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है, और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।